गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज नंबर 8.2। हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। सो इन अ फर्स्ट में देखो टोटल बॉक्सेस कितने हैं। टोटल बॉक्सेस आर 100, 10 ऐसे और 10 ऐसे, टोटल 100 बॉक्सेस है। 100 में से कितने हैं देखो, 10 + 10 20, और 20 और 6 तो 26 है। टोटल बॉक्सेस आर 26, सो 26 100 में से 26, तो 26 डिवाइड बाय 100 आंसर क्या होगा, 26 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.26। सो 26 डिवाइड बाय 100 क्या होगा, 0.26। तो वंस प्लेस पे आएगा 0, देन 10th प्लेस पे आएगा 2 एंड 100 प्लेस पे आएगा 6, सो आवर आंसर इज 0.26। इन पर्टिकुलर सेकंड बॉक्स, तो सेकंड बॉक्स में भी आप ऐसे देख सकते हो, पूरा वंस एक बॉक्स है, सी हियर 100 वाला वन बॉक्स है, तो पूरा वन बॉक्स है। फिर देखो 10th वाले, तो ये टोटल 38 हुए, ये टोटल 38 हुए, मतलब 0.38। तो 10th में 3 आएगा और 100th में आएगा 8। एज इट इज इन लास्ट बॉक्स, सो आवर आंसर इज 1.38। एज इट इज लास्ट बॉक्स में 100 वाला वन बॉक्स है एज इट इज, और ये टोटल है 20 और 8, तो 0.28, तो 2 आएगा 10th में और 100 में आएगा 8, आंसर इज 1.28। तो क्या करना है, 100 वाला अगर बॉक्स है तो उसको वंस में लिखेंगे, फिर 10th वाला बॉक्स के 10th में लिखेंगे, और लास्ट जो 10th से कम जो बॉक्स है उसको 100th में लिखेंगे, ये बॉक्स के रिगार्डिंग आंसर के लिए। सो 1.38, 1.28 आर द आंसर्स। ये आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है आपने समझ ली, सिर्फ समझना है, लिखने की ये जरूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना नोटबुक में लिखने के लिए। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। सो इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है डेसिमल फॉर्म में। सो देखो कैसे लिखना है आपको, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है 3.25। कैसे आया, तो सी हियर, उसके लिए ये मेथड की है, 100 पे 0 है, फिर 10th पे 10th प्लेस में भी 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई 10, वंस प्लेस में 3 है, 3 मल्टीप्लाई 1, 10th में 2 है, तो 2 इंटू 1 अपन 10, 100 में 5 है, 5 इंटू 1 अपन 100, 1000 में 0 है, तो 0 इंटू 1 अपन 1000। सो सी यार, ये तो 0 हो गए, 0 0, 3 1 जा 3, प्लस 2 इंटू 1 अपन 10 0.2, 5 इंटू 1 अपन 100 मतलब 0.05। सो आंसर क्या होगा, 3 + 0.2 + 0.05, सो 3.25। तो आप ऐसे भी इसको आंसर को डायरेक्टली लिख सकते हो कैसे, तो देखो ये वंस के बाद यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा, 10th प्लेस आता है तब से पॉइंट होता है। तो देखो वंस में क्या है, 3, सो दिस आंसर इज 3 पॉइंट, पीछे है 2 एंड 5, 25 एज इट इज, ये है 102, सो इसका सेकंड का आंसर होगा 102.63, देन सी का आंसर होगा 030 मतलब 30.025। कैसे आंसर आ रहा है मैं आपको समझाऊं कि वंस पॉइंट के आगे के होता है और टेंथ जो होते हैं पॉइंट के पीछे होते हैं। सो 3.25 हो गया फर्स्ट, सेकंड में देखो 102.630, सो वही आंसर होगा 102.633। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देन थर्ड वन में देखो 30
30.025. तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो ऐसे समझ के, ये सब एक्सपांडेड फॉर्म ना लिखो तो भी चले। देन नंबर सी 211.902, सो डी में आंसर आएगा 211.902 एज इट इज। ए में आंसर आएगा 12.241। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो आपको ऐसे इसके आंसर लिखने हैं जो यहां भी हो गए। देखा मैंने जो आपको समझाया वही आंसर है इसमें 211.902 एंड 12.241। तो एक्सपांडेड फॉर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्रीवियस एग्जाम्पल आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा टेबल था, ऐसे टेबल में से हमने नंबर लिखा। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर पे से बॉक्स में हम उसको लिखेंगे। सो पहले तो आपको ये बॉक्स बना देना है, 100 टेंस वंस देन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, बॉक्स बनाना है आपको पहले। क्लियर दिस? पहले बॉक्स बना देना है ब्लैंक, फिर ए में 0.29। तो जीरो कौन से प्लेस में है भाई? जीरो टेंस प्लेस में है, सॉरी जीरो वंस प्लेस में है। तो जीरो पॉइंट के पीछे वाला नंबर टेंथ प्लेस में होगा, सो टू टेंथ प्लेस में। देन उसके बाद में जो नंबर होगा 900 प्लेस पे होगा, सो 9 लिख दिया। सो जीरो वन प्लेस में, टेंथ प्लेस में 2, 100 प्लेस में 9 लिखना है, बाकी सब में आपको 0000 लिख देना है एज इट इज। इन अ सेकंड 2.08, तो 2 इज इन अ वंस प्लेस, तो 2 लिखा। 0 इज इन अ टेंथ प्लेस, 0 लिखा। एंड 8 इन द हंड्रेड प्लेस लिखा, बाकी सब में 0000। क्लियर दिस वन? एज इट इज 19.60, तो 1 है टेंथ प्लेस में, तो टेंथ प्लेस में लिखा, 1 को टेंथ प्लेस में लिखा। 9 है वंस प्लेस में, 6 है टेंथ प्लेस पे, और 0 है हंड्रेड प्लेस पे, और जो बचा वो 0। इज इट क्लियर? देन 148.30, तो 1 है हंड्रेड प्लेस पे, 4 है टेंथ प्लेस पे, 8 है वंस प्लेस पे, 3 है टेंथ प्लेस पे, और 2 है हंड्रेड प्लेस पे, और बाकी जो बचा वो 0। 200.810, तो 200 प्लेस में, 0 टेंस प्लेस में, 0 टेंस वंस प्लेस में, फिर 8 जो बचा टेंथ, 1 आया 100 और 2 आया वो थाउजेंड प्लेस में। सो स्टूडेंट्स आपको ये इसके लिए बॉक्स बना के आपको ये फिलअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, उसका सिर्फ रिवर्स है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो सो इजी, 20 + 9 + 4/10 + 1/100। तो 20 + 9 मीन्स क्या होगा? 29। 4/10 मतलब 0.4, 1/100 मतलब 1। सो आंसर इज 29.41। तो कैसे लिखोगे आप? 20 + 9 + 0.4 + 0.01, सो वी गेट 29.41 एज इट इज। इन अ सेकंड 137 + 5/100, 5/100 मतलब 0.05। सो आंसर इज 137.05 इन दिस। एज इट इज इन अ थर्ड 7/10 मतलब आगे कुछ भी नहीं है, सो आएगा 0.7/10 मतलब 0.7, 6/100 मतलब 0.06 एंड 4/1000 मतलब 0.004। मतलब ये लाइन सर है ये सब नंबर, तो 7 टेंथ प्लेस पे, 600th प्लेस पे और 4000th प्लेस पे। सो आंसर इज 0.764 एज इट इज इन क्वेश्चन नंबर 4। सो 23 तो है ही है, 2 वंथ टेंथ प्लेस में है,
और 600 प्लेस में है, सॉरी 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है, यहाँ 100 का प्लेस ही नहीं है, सो वहाँ पे जीरो, और 1000 प्लेस में 6 है, सो ये ध्यान रखना यहाँ बीच में कोई 100th वाला प्लेस ही नहीं है, सो वहाँ जीरो ले लेंगे, सो आंसर इज 23.206 एज इट इज़ इन लास्ट 725 प्लेस में कुछ नहीं है तो जीरो, 100 प्लेस में 9 है तो 9, सो आंसर इज 725.09 आंसर इज 725.09 इज इट क्लियर एज इट इज इन क्वेश्चन नंबर 5 राइट इज ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल इन वर्ड्स, तो डेसिमल को वर्ड में लिखना है, ऐसा आप स्टैंडर्ड्स 5th में भी सीख चुके हो, इस बार थोड़ा इजी है, मैंने आपको समझाया था इजी आएगा, सो 0.03 क्या लिखेगा 0.03, देन दिस वन इज 1.020, 1.20 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है 1.20, इज इट क्लियर 1.20, देन इन अ थर्ड 108.56, तो पीछे वाले को आपको न्यूमेरल में नंबर में लिखना है, जैसे कि 20 है तो 20, पीछे 56 है तो 56, अंडरस्टैंड, आगे वाला 108 लिखना है तो 108.56, 1.20, 10.07, 10.07, देन इन दी 0.032, 0.032, लास्ट वन 5.008, सो ऐसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 तक, थैंक यू।